हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18C। एंड इस ये बेसिकली किस चीज के रिगार्डिंग है? ये पाई चार्ट में कैसे बनाना होगा उसके रिगार्डिंग है। एंड पाई चार्ट को बनाने के लिए आपको दो चीजों के फॉर्मूलेज की दो फॉर्मूलेज जनरली यूज होते हैं पाई चार्ट के क्वेश्चंस में। पहला तो आपका परसेंटेज वैल्यू वाला, किसका परसेंटेज वैल्यू वाला, एंड वो क्या होगा? परसेंटेज परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वैल्यू, एक ये होगा। एंड इसके बाद दूसरा होगा एंगल की बात करते हैं, ठीक है? एंगल सबटेंडेड, ठीक है, इक्वल टू वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाई टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस एंड देन इनटू 360 डिग्री। वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू 360 डिग्रीज, ये दोनों चीजें आपकी यूज होंगी एंड इसके अकॉर्डिंग आपको पाई चार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और आइए कैसे यूज करना है सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आर्ट, साइंस और कॉमर्स दिया हुआ है, तो इसका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 300 प्लस 500 प्लस 200, सो बेसिकली 1000 आपका आ जाएगा, ये टोटल आया। तो अब निकालते हैं एंगल सबटेंड बाई आर्ट्स, ठीक है, एंगल सबटेंड बाई आर्ट्स कितना आ जाएगा? आर्ट्स हमारा फॉर्मूला तो वही है ना, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल। तो वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 300 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 360। तो ये 3 0 इनसे कट गए, आपका आ जाएगा 3 6 18, 3 3 9 10, 108 डिग्री। ये आपका आया किसका? आर्ट्स की एंगल आ गया। अब सेम चीज निकाल लेते हैं किसके? साइंस का। साइंस का निकालते हैं तो साइंस का कितना आ जाएगा? 500 डिवाइड बाई 1000, 500 डिवाइडेड बाई 3000 इंटू 360 डिग्री, तो ये भी कट गया और आपका आ जाएगा 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉमर्स की बात करते हैं, तो एंगल सबटेंड बाई कॉमर्स इक्वल टू वही सेम ही 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 360 डिग्री, एंड ये तीन वैल्यूज काट देनी है, आपका आ जाएगा 72 डिग्रीज। अब ये 3 डिग्रीज अगर आपके पास आ गई है, ये तीन ही है, तो क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लो और एक एंगल था आपका 180 डिग्री, तो 180 डिग्री किसका था? आपका साइंस का, तो यहाँ साइंस लिख दो, SCIENCE, ठीक है। उसके बाद आर्ट्स का 108 डिग्री, कितना था? 108 डिग्री। तो हम अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं, जैसे सेंटर से ही एंगल आपको ड्रॉ करना है, तो हम ये मान लेते हैं 100, ये 108 डिग्री, ठीक है। बाकी का रिमेनिंग आपका ये आर्ट्स का हो गया और ये आ गया आपका कॉमर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ अभी, बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है? फॉलोइंग पाई चार्ट डिपिक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट हेड्स। तो ऑब्जर्व पाई चार्ट को ऑब्जर्व करना है एंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो इसमें हमारा पहला वाला वही परसेंटेज वैल्यू का फॉर्मूला यूज होगा एंड उसका यूज करके हमें आंसर्स देने हैं। तो जैसे इफ टोटल स्पेंडिंग इज 20 करोड़, हाउ मच वाज मनी स्पेंट ऑन रोड्स? तो रोड्स की बात करते हैं, तो परसेंट वैल्यू ऑफ रोड्स, ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है,
तो कितना आ जाएगा आपका परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वैल्यू। तो देख लेते हैं परसेंटेज कितना है हमारा रूट्स का, हमारा 10 और डिवाइडेड बाई 1000 और आपका टोटल वैल्यू 20 करोड़ है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल आपका, और यहाँ 100,000 लिख दिया गलती से, तो 2 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज नोट डाउन कर लेना, 2 करोड़ आया किसका, आपका ए का आंसर। चलिए बी की बात करते हैं। यहाँ पूछे हाउ मेनी टाइम्स मोर इज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन कंपेयर टू अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन रोड्स। तो सबसे पहले एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो निकाल लो ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, वही सेम चीज परसेंटेज वैल्यू का फॉर्मूला, 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20 करोड़, ये 0 0 कट गया, तो 6 करोड़ आपका ये खर्च हुआ है ठीक है। और हमने रोड्स पे देखा था 2 करोड़ निकला था, और जब भी हाउ मेनी टाइम्स मोर लिखा है ना, तो बेसिकली क्या करना है आपको, रेशियो निकालना, क्या निकालना है रेशियो। तो यहाँ पर अगर हम देखें अमाउंट ऑफ मनी मनी स्पेंड ऑन रोड्स कितना जाएगा, 2 करोड़ ठीक है। अब टाइम्स निकालना है तो डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 3 आ गया, तो 3 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सी पार्ट की बात करते हैं। व्हाट वुड बी द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन बोथ रोड्स एंड पब्लिक वेलफेयर। सो बेसिकली टोटल तो हमें पता है, टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 20 करोड़ है ना। अब रोड का भी पता था 2 करोड़ है, चलिए पहले पब्लिक वेलफेयर का निकाल लेते हैं ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन आपका किस पे, वेलफेयर पब्लिक पीडब्ल्यू, तो कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये 0 0 4 करोड़ ठीक है। तो हमारा रोड्स पर था कितना, 2 करोड़, सो टोटल 6 करोड़ हो गया। तो फ्रैक्शन इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 20 ठीक है, ये आ गया। चलिए लास्ट पार्ट कर लेते हैं हम, इसमें क्या पूछा, हाउ मच मनी वाज स्पेंट ऑन एजुकेशन, वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, दैट इज आपका 30% था। चलो निकाल लेते हैं मनी स्पेंट ऑन एजुकेशन, वही परसेंटेज वाला फॉर्मूला, 30 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये 0 कट गया, 6 करोड़ आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। चलिए अब हम